गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम आज करेंगे इनसीटो और एक्सीटो के बारे में, ठीक है। इनसीटो कंजर्वेशन और एक्सीटो कंजर्वेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ अंडर थ्रेटन्स फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, स्प्रेडिंग ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज एंड डिसीजेज फ्रॉम ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट विच इज़ चेंजिंग नेचर ऑफ द वाइल्ड हैबिटेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो अंडर थ्रेटन है, मतलब डेंजर में है। क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, मतलब एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक हैं। सच एज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जो उसका हैबिटेट है एनिमल्स का, उसको वो क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी से, ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से उसको ख़त्म कर रहा है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहे हैं जो कि इनलीगल है, जिसको हम कर नहीं सकते, पर फिर भी वो ह्यूमन क्या करता है, उसको करता है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज के कारण भी क्या होता है कि जो स्पीशी बाकी स्पीशीज होती हैं, नेटिव स्पीशीज होती हैं, उनको खतरा होता है। डिसीजेज एंड फ्रॉम ह्यूमन स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज एंड डिसीजेज, इन्वेसिव स्पीशीज के कारण कई बार क्या होता है, डिसीजेज कॉज हो जाती हैं, ठीक है। डिसीजेज कॉज होने के कारण क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज है उसका नंबर कई बार बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। एंड फ्रॉम ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट, ह्यूमन के कारण क्या है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है वो भी चेंज, उसमें भी चेंज आता है, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सभी चेंजेस के कारण क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उस पर क्या है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टू मेजर अप्रोचेस आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड टू कंजर्व थ्रेटन्ड एंड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। दो तरह की जो अप्रोचेस हैं उनको माना जाता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? कंजर्व करने के लिए। किसको कंजर्व कर रहे हैं? जो थ्रेटन्ड हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है, ठीक है। उन स्पीशीज़ को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए दो तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं। एक तो प्रोटेक्टिंग स्पीशीज विद इन देयर हैबिटेट, मतलब उसको उसके हैबिटेट में ही जब रख के प्रोटेक्ट करते हैं हम, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिंग स्पीशीज विद इन देयर हैबिटेट, ठीक है। उसको इन सिटो कंजर्वेशन बोलेंगे जब उसको हम उसी के हैबिटेट में रख के उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग एंड केयरिंग इंडिविजुअल स्पीशीज, मतलब क्या है कि जो उसकी कोई भी स्पीशीज लेंगे, कोई इंडिविजुअल मतलब एक पार्टिकुलर स्पीशीज लेंगे, उसका उसको हम आर्टिफिशली ब्रीडिंग करवाएंगे उसकी और केयरिंग करेंगे, ठीक है। उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखेंगे, खुद से एक आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड करेंगे और उसको हम बोलेंगे एक्सीटो कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी डिफाइन इन एक्सीटो कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट। अब जहाँ पे आया ना नेचुरल हैबिटेट, तो किसमें है नेचुरल हैबिटेट? इन सीटो कंजर्वेशन में, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट होगा एंड मेंटेनेंस होगी, उसको मेंटेन करके रखा जाएगा जो नेचुरल हैबिटेट होगा, एंड रिकवरी ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। और जो स्पीशीज होंगी वहाँ की उनको क्या है, रिकवरी उनकी की जाएगी, जितनी वायबल पॉपुलेशन चाहिए उतनी कंटिन्यू रखी जाएगी, ठीक है। एक्सीटो कंजर्वेशन एज अ कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें क्या है, आउटसाइड, बाहर, नेचुरल हैबिटेट में नहीं, नेचुरल हैबिटेट से बाहर जो स्पीशीज को हम कंजर्व करके रखते हैं और उनकी ब्रीडिंग और केयरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सीटो कंजर्वेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड वाइल्ड लाइफ इन एक्सीटो कंजर्वेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे हम पढ़ेंगे अभी इनसीटो कंजर्वेशन। बायोलॉगिंग एंड बायोटेलीमेट्री, बायोलॉगिंग एंड बायोटेलीमेट्री हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ये दो तरह के टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बट बोथ कंप्रेसिस दी मॉनिटरिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
पर इन दोनों का काम क्या है? काम सेम ही है, उसकी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी फिजियोलॉजी और बिहेवियर और इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन कैसी है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। बायोलॉगिंग टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन इन एन एनिमल बायोम डिवाइस। इससे जो उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, और उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं इन दी डिवाइस, बायोम डिवाइस में, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन इज़ डाउनलोडेड, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बायो टेलीमेट्री टेक्नोलॉजी विच सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर दैट इज़ फ्रॉम द डिवाइस कैरिड बाय एनिमल। बायो टेलीमेट्री में क्या होता है कि जो डिवाइस होता है वो एनिमल से अटैच कर दिया जाता है, उसके किसी भी पार्ट पे जाके उसको अटैच कर दिया जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसीवर के पास आती रहती है। जैसे GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इज़ अ टेक्निक इन विच वी हैंग रिसीवर एंड ट्रांसमीटर एट एनी प्लेस इन द फॉरेस्ट। जिसको हम कहीं पे भी हैंग मतलब लटका देते हैं, और जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें रिसीव होती रहती है, ठीक है। द मूवमेंट मतलब कैसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी और एनिमल है उसकी मूवमेंट मोशन एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द होल लाइफ। मतलब पूरी लाइफ उसका जो उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, उसकी मूवमेंट्स होंगी और मोशंस होंगे वो हमें पता चलते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉलर वाली टाइगर्स, जो एक एग्ज़ाम्पल है कि कॉलर वाली टाइगर्स क्या है, उनके कॉलर पर क्या है, एक रेडियो अटैच कर दिया गया था, और उससे हमने उसकी जो लाइफ थी उसको स्टडी किया था। लाइफ स्टडी करने के बाद पता चला कि है वो उस जो रिसीवर थी, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हैड रिसीवर इन हर नेक, उसके नेक पे रिसीवर डाला गया था, एंड इट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट शी गेव बर्थ। जिससे हमें पता चला कि उसने 25 क्यूब्स को क्या है, बर्थ दिया है इन हर लाइफ स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ कैमरा ट्रैप्स। कैमरा ट्रैप्स क्या होते हैं, रिमोट डिवाइस होते हैं। इस इक्विपमेंट से हम क्या है, उनके मोशंस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं, इमेजेस एंड वीडियोस जो होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको आगे हम रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इंक्रीज़ होती जा रही है, बिकॉज इसकी हेल्प से क्या है, जो क्वेश्चंस उठते हैं स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसके जो आंसर्स हैं हमें मिलते हैं, ठीक है। उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है, उसके पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमें पता चलता है। एज अ मोर रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग हम चिंपैंजीज जो हैं उनको एग्जामिन किया गया है, जिसकी हेल्प से हमें उनकी डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में पता चलता है और कम्युनिटी कंपोजिशन बारे पता चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एडिशनल टेक्नोलॉजीज। एडिशनल टेक्नोलॉजीज में है द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी इज रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड करंटली अप्लाइड टू कंजर्वेशन। मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रहा है, रैपिडली एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, और करंटली अप्लाई टू कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन पे उसको अप्लाई कर रहे हैं। द फील्ड इज़ कैपेबल ऑफ एडिटिंग नेचुरल जीनोम्स इन एक्सट्रीमली प्रीशियस मैनर थ्रू डिलीटिंग अ टारगेट जीन एंड इंसर्ट अ सिंथेटिक वन। मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि जिसकी हेल्प से हम जो नेचुरल जीनोम्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं थ्रू कैसे, कुछ जो हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट आ टारगेट जीन, जो भी हमारा टारगेट जीन होगा उसको डिलीट कर सकते हैं, और उसकी जगह पे जो हमारा जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, जो इंसर्टिंग आ सिंथेटिक वन, जो सिंथेटिक वन है उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स आर, फर्स्ट वन इज़ अ हैबिटेट कंजर्वेशन बाय क्रिएटिंग मॉडिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम हाइड्रोकार्बन्स एंड ओवर एक्सप्लोरेशन वेयर प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल दैट कैन सब्स्टिट्यूट राइनोलॉइन वेवरी एंड इन्वेजिव स्पीशीज वेयर यूज ऑफ क्रोमोजोम अल्ट्रेशंस और जीन ड्राइव्स टू स्टॉप रिप्रोडक्शन इन दी स्पीशीज। हमने बोला कि जो इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं वो कई बार क्या करती हैं, हमारी नेटिव प्लेस पे आके मतलब डिसीजेज वगैरह कॉज करती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम अल्ट्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रीडिंग होगी, जो रिप्रोडक्शन होगी वो स्टॉप हो जाएगी और वो स्पीशीज ख़त्म हो जाएगी। ट्रैक प्लेट्स होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ ट्रैक प्लेट्स ऑफर अ फर्दर
efficient methods to detect a wildlife and have been used to monitor several animal species. ये भी हम animals को monitor करने के लिए use करते हैं, ठीक है। ये तो थी इन सीटो कंजर्वेशन में चार पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकली बेस्ड वाइल्ड लाइफ एग्जिटो कंजर्वेशन आ जाता है। एग्जिटो कंजर्वेशन में जैसे दी IUCN स्टेट्स दैट एग्जिटो कंजर्वेशन इंक्लूड अ होल प्लांट और एनिमल्स, इसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की कलेक्शंस हैं वो आ जाती हैं, जूलॉजिकल पार्क्स आ जाते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स आ जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च फैसिलिटीज आ जाती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो इन सीटो थे, ठीक है, जो इन सीटो थे उसमें क्या था कि हम नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स को रखते थे, पर अब एग्जिटो पढ़ रहे हैं तो एग्जिटो में जूलॉजिकल पार्क्स आ गए। जूलॉजिकल पार्क्स क्या है, मतलब आर्टिफिशियली मॉडिफाई किए गए हैं ह्यूमन की तरफ से और वहाँ पे जाके हम एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। तो एग्जिटो वो एरिया है जहाँ पे क्या है, हम आर्टिफिशियली नेचुरल हैबिटेट देते हैं, ठीक है, वो नेचुरल हैबिटेट होता नहीं, तो इसीलिए इसमें जूलॉजिकल पार्क आ जाएंगे, बोटैनिकल गार्डन्स आ जाएंगे एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च फैसिलिटीज एंड जर्म प्लाज्म कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड एंड डेमोस्टेटिक टैक्सा, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम वो करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क्स एंड एक्वेरिया इंस्टीट्यूशंस हैव अ लॉन्ग यूज टेक्नोलॉजी टू प्रमोट अ कंजर्वेशन एजुकेशन। मतलब जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या है, लॉन्ग यूज टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो क्या करते हैं, जो कंजर्वेशन एजुकेशन है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को अवेयर करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करना है, उनको बचाना है, ठीक है। द इंक्रीज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज ऑफर द पब्लिक और मोर मीनिंगफुल एनिमल इनकाउंटर वाइल बिल्डिंग हर हायर इंटरेस्ट। मतलब उनका इंटरेस्ट पैदा करते हैं और पब्लिक को अवेयर करते हैं, ठीक है। कैसे अवेयर करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, कंजर्वेशन कैंपेन्स होते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन इट्सेल्फ अपने कंजर्वेशन इट्सेल्फ लाइक अ वेब कैमराज ऑपरेटेड बाय जूज डिस्प्ले वीडियोज एंड एनिमल्स। मतलब वो क्या करते हैं कि कैमरा वगैरह ऑपरेट करते हैं, है ना, लगाते हैं और उस पर उसकी हेल्प से वीडियोस वगैरह बना के और एनिमल्स की जो जू में है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लेकर जब हम सोशल मीडिया पे अप्लाई करते हैं उनको, तो उससे क्या होता है, जो ऑडियंस होती हैं उनको वो इसके बारे में अवेयर होती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ठीक है। विच आर अवेलेबल टू अ जनरल पब्लिक, मतलब वो जनरल पब्लिक को क्या कर देती है, वो अवेलेबल करती है वो वीडियोस जो बनाते हैं, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी मोटिवेट्स कंजर्वेशन अवेयरनेस, तो वो मोटिवेट करती हैं आगे जाके, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिवाइसेस में आएगा द यूज़ ऑफ एनिमल अटैच्ड टेक्नोलॉजी बाय रिसर्चर्स इन जूज हैज़ इंक्रीज्ड रिमार्केबल ओवर लास्ट 10 years। वेलफेयर एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट्स कैन मोनिटर मूवमेंट पैटर्न, ट्रैक यूज ऑफ स्पेस, हेल्थ इशूज, लोकोमोटर एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसे कुछ हैं जो मतलब मोनिटर करती हैं वो मूवमेंट पैटर्न को, बिहेवियर को विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो डिवाइसेज हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। उनका जो सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट है एनिमल का उसको भी अंडरस्टैंड करती हैं, ठीक है। दी डिवाइसेज सच एज GPS, GPS की एग्जांपल फिर से यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि GPS आर अप्लाइड इन जू में अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनिमल्स टू रेगुलेटरी मोनिटर कर सकें, उसको उसका बिहेवियर देख सकें और डिटेक्ट कर सकें कि उसको कोई डिसीज़ तो नहीं है, वो कंफर्टेबल तो फील कर रहा है, अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है तो उसको अच्छा से ट्रीटमेंट दे सकें, ठीक है। तो डिवाइसेस ऐसे भी हेल्प करते हैं। तो जो ये हैं इसमें नेशनल पार्क्स भी आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। नेशनल पार्क वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड वेयर द एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री एंड ग्रेजिंग ऑन कल्टिवेशन आर नॉट
परमिटेड, ये सभी जो होती हैं एक्टिविटीज़ वो परमिटेड नहीं होती, ग्रेजिंग वगैरह वहाँ पे नहीं करवा सकते हम। इन दीज पार्क्स इवन प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर नॉट अलाउडेड, मतलब जो गवर्नमेंट प्लेस होती है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है, तो यहाँ पे कोई भी प्राइवेट जो काम है वो नहीं होता है, ठीक है। तो देर आर बाउंड्रीज आर वेल मार्क्ड, बाउंड्रीज बनी होती हैं, ठीक है। और इसमें जो ये एरिया होता है नेशनल पार्क का, तो वो 100 स्क्वायर मीटर होता है। इन नेशनल पार्क्स द एम्फेसिस इज ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ अ सिंगल प्लांट और एनिमल स्पीशीज, मतलब जहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं एक सिंगल प्लांट और एनिमल स्पीशीज को। ये कुछ मेजर नेशनल पार्क्स की लिस्ट है, इसको भी आप देख लेना। और आगे जो सेंचुरीज हैं, अ सेंचुरीज इज अ प्रोटेक्टेड एरिया विच इज रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्टिंग मेन्योर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर अलाउड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलाउ होती हैं, लाइक हार्वेस्टिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, बट इन नेशनल पार्क्स वो में वो नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे क्या एनिमल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे विद वेल बींग ऑफ एनिमल बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज एरिया आर नॉट वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड, बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड, ठीक है। टूरिस्ट, जैसे एग्जांपल में बताया गया कि जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है कुछ सेंचुरीज जो जिनके नेम वगैरह मेंशन किए गए हैं और वो कौन सी स्टेट में है वो भी मेंशन किया गया है, और आप इसको स्टडी कर लेना। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, और थैंक यू।